हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ये शीट मेटल का पार्ट है। इसके अंदर देखिए कुछ लूवर्स बने हुए हैं। ये जनरली कैबिनेट्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर के कैबिनेट्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अंदर ये एयर वेंटिलेशन के लिए जनरली ये काम आता है ताकि हीट रिलीज़ हो सके। और इस तरीके कुछ हैंडल दिया हुआ है, तो इस तरीके का अगर आप लोगों को कुछ पार्ट्स मिलते हैं बनाने के लिए तो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि कैसे पंच टूल्स की हेल्प से ये इस तरीके के लूवर्स वगैरह हम जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स रिलेटेड आप लोगों को आने वाली और वीडियोस में मैं बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें आप लोगों को है जिस पे आप लोगों को बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी वीडियो देखें और धीरे धीरे इसको अपने सिस्टम पर देख देख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक शीट मेटल का एक पार्ट प्लेन्स ऑन कर लेते हैं और प्लानर की हेल्प से मैं इसका बेस प्लेट तैयार कर लेता हूँ। जिसकी डायमेंशन जो है 150 mm और 80 mm, थिकनेस 0.5 mm, ये प्लेट बन गई। अब हमको इसमें पंच फॉर्म करना है। जैसे पार्ट वन मैंने इसके लिए बनाया हुआ है, ये देखिए इसकी डायमेंशन मैं बता देता हूँ। आपको जिस भी चीज़ को लेके इसके ऊपर पंच करना है उसको पहले आपको एक्सट्रूड करके उसका एक सॉलिड मॉडल रेडी करना है। तो जैसे मैंने डायमेंशन ले लिया, लूवर की लेंथ जो है 60 ले लिया और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 ले लिया, यस करके हाइट मैंने 1 ले लिया, इसको ओके कर दिया और मैंने दोनों कॉर्नर्स पे राउंड की हेल्प से इसको स्मूथ कर दिया इसको ओके। तो ये पार्ट वन हो गया। अब ऐसे ही ये हैंडल आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने बनाया कैसे, ये है, इसको आप जैसा भी शेप दोगे ये उसी शेप में यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं बताता हूँ कि ये वाला शेप में इसका मैंने कैसे क्या कर रखा है। एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड पे जाने के बाद मैंने डायमेंशन ले ली 27 mm, 4 mm, ओके करके हाइट भी दे दी मैंने 4 mm। उसके बाद एक मैंने एलिप्स की हेल्प से यहाँ पे एक कट लगा दिया, जिसकी डायमेंशन का हाइट मैंने रखा 3 mm और 6 mm इसकी चौड़ाई रख दी, ओके करके इसको मैंने कट करके हटा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों को राउंड दे दिया और ये आप देख रहे हो कि हल्का सा ये टेपर्ड है दोनों तरफ। ये ड्राफ्ट की हेल्प से किया हुआ है, ड्राफ्ट का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आपको यहाँ पे अभी ऊपर आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके आप ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ड्राफ्ट की हेल्प से हल्का सा ये इसको टेपर्ड कर दिया और मैंने सारे तरफ इसमें राउंड अप्लाई कर दिया, तो ये पार्ट बन गया। जब आप फॉर्म पर क्लिक करोगे तो यहाँ पंच फॉर्म आ रहा है, तो पंच फॉर्म पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ओपन पंच मॉडल्स, तो इसमें से पूछेगा आपको कौन सा वाला यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाले को यूज़ करता हूँ, तो ये वाला मेरा पार्ट नंबर वन था, इसको ओपन किया। अब जैसे ये है, इसका जो बेस है, इसका बेस और इसके बेस को हमने कोइंसिडेंट करा दिया, इसका सेंटर, इसके सेंटर से मैंने ये भी कोइंसिडेंट कर देते हैं, कोइंसिडेंट करा दिया, और इसका मैंने आउटर सरफेस से डिस्टेंस ले लिया, पंद्रह एमएम अंदर की तरफ, ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए ये पंच इसमें पड़ा, इसने उसका शेप ले लिया। अब मुझे यहाँ से अगर कोई सा पार्ट आप उसको ओपन करना है, ओपन कैसे करोगे आप, फिर से मैं इस पे गया एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन में और इस पे आपको जाना है, जिस सरफेस पे आप क्लिक करोगे वो सरफेस वहाँ से हटा देगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, ये वहाँ से रिमूव कर दिया और इस तरीके का आपका एक लूप सा बन गया। अब इसको पैटर्न की हेल्प से, अब पैटर्न की हेल्प से हम यहाँ पे इनके बीच का गैपिंग ले लेते हैं और इनको ले लेते हैं टोटल पार्ट 12, यस कर दिया। तो ये इस तरीके के लूअर्स रेडी हो गए, अब ये प्रॉपर बन गए। तो आपको देखो एक लूअर तो आपका फॉर्म हो गया आसान से। अब लाते हैं दूसरे पार्ट को, फिर से आप फॉर्म पे जाइए, पंच पे जाइए, ब्राउज पे जाइए, पार्ट नंबर 3 है इस पर जाइए, ये आपका आ गया।
सबसे पहले इनका फेस मैच कराओ, जैसे ये है और ये है, इसको कर दो कोइंसिडेंट। ऊपर की तरफ फेस होगा, कोइंसिडेंट हो गया। अब हम इसका दूसरा, यहाँ से इसको ले लेते हैं डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हम लेते हैं 35 और यहाँ से इसका डिस्टेंस लेते हैं, इसको कर देते हैं 0। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे आने के बाद डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ कर दीजिए, यस कीजिए, तो देखिए ये फॉर्म हो गया। अब क्या है, इसके भी मुझे कुछ पार्ट्स रिमूव करने हैं, तो इस पर राइट क्लिक करके एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए और फिर जो जो पार्ट आपको हटाने हैं उसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए, राइट। बन गया इजली। अब इस पार्ट को आपको मिरर इमेज कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर दिया, एडिटिंग पे गए, मिरर पे गए, सेंटर लाइन सेलेक्ट करी, यस किया, ये इधर भी बन गया, प्लेन्स ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लूवर्स रेडी हो गए। अब आप इसके शेप में कोई भी चेंजेस करोगे, अब आप मान लो जैसे ये दिख रहा है, अब आपने इसको एक बार प्लेसमेंट कर दी, इसको सबसे पहले सेव कर दीजिए। एक बार आपने इसकी प्लेसमेंट कर दी, अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं इस वाले पार्ट को ही ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला सेक्शन मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर दिया डिलीट, केवल राउंड अप्लाई कर देते हैं इसमें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर भी कर देते हैं। राउंड के हेल्प से मैंने एजेस स्मूथ कर दिए, इसको ओके कर दिया। अब मैं उस पार्ट पे जाऊँगा, इस पार्ट पे जाने के बाद जैसे ही मैं इसको रीजनरेट करूँगा, रीजनरेट में आप देखोगे कि वो जो यहाँ पे घूम रहा था वो चीज़ हट गई और ये एक स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो एक बार आपने पंच फॉर्म कर दिया, उसके बाद आप उसके शेप में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, चाहे इसमें आप स्विंग्स डाल दीजिए या कट कर दीजिए या जो भी है अप एंड डाउन कर दीजिए, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक करके छोटे छोटे कोई पार्ट बना लीजिएगा, पार्ट में एक या दो लूवर आप बना के, पार्ट्स बना के उसको पंच फॉर्म में जाके इसको आप सेट कीजिएगा, तो अपने आप इस चीज़ों समझ में आ जाएगी। और आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पर डालना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, टिल देन बाय बाय।